तीन किसान बिल के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसानों ने लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। किसान बिल के विरोध में आज से तीन दिनों के लिए पंजाब बंद आंदोलन का ऐलान किया गया है। इसके कारण ट्रेन यातायात पर काफी बुरा असर दिखाई देगा। किसानों ने साफ कर दिया है कि वे कृषि विधेयकों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ आज से पंजाब में किसान समिति जेल रोको अभियान की शुरुआत करेंगी। इसको देखते हुए पंजाब आने जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाएगा। किसानों के विरोध को देखते हुए एहतियात के तौर पर रेलवे दो दिन तक यानी 24 से 26 सितंबर तक रेलगाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन को तेज करने का निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि इस विधेयक के विरोध में 24 से 26 सितंबर के बीच पंजाब में ट्रेनों को चलने नहीं दिया जाएगा। पंजाब बंद के कारण कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं या फिर उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप ट्रेन से 24 से 26 सितंबर के बीच सफर करते हैं तो पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपकी ट्रेन की टाइमिंग में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। साथ में यह भी चेक करें कि कहीं यह कैंसिल तो नहीं हो गई। इस दौरान अंबाला लुधियाना व अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग बंद रहेगा। अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम हरिमोहन ने बताया कि तीन दिनों में 34 ट्रेनों को शो टर्मिनेट रद्द व रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इसमें 26 यात्री ट्रेनें हैं जबकि 8 पार्सल ट्रेन हैं। वहीं बंद को प्राइवेट ट्रांसपोर्टों, आरती संगठनों, मार्केट एसोसिएशनों और हरियाणा यूपी समेत दूसरे राज्यों के किसानों द्वारा समर्थन देने के बाद सूबे के किसान संगठनों ने हर जिले और ब्लॉक लेवल पर संघर्ष तेज करने के लिए कमर कस ली है। वहीं भाकियों के प्रधान हरमीत सिंह कादिया ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए अब 1 अक्टूबर से पंजाब के सभी रेल ट्रैक को अनिश्चितकाल के लिए जाम किया जाएगा। किसानों की ओर से किसी भी रेलगाड़ी को ट्रैक से गुजरने नहीं दिया जाएगा। 24 को रेल रोको आंदोलन के आह्वान के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी कर ठोस सुरक्षा प्रबंध करने को कहा है। सूबा सरकार ने आदेश दिए हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ नरमी से पेश आया जाए। वहीं 25 को पंजाब बंद की कॉल के मद्देनजर सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अगर रोडवेज चाहे तो अपने रूटों को बंद कर सकती है ताकि किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। अब में इसका इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से जो इनपुट्स मिली हैं कि वहाँ ज्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए अभी टोटल 13 पेर गाड़ियों के 13 अप के 13 डाउन के अभी कैंसिल या शॉर्ट टर्मिनेट किए गए हैं। और उसमें से अंबाला में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ सहारनपुर में, ऐसे शॉर्ट टर्मिनेट करके वहाँ से वापस दोबारा से उनको चलाया जाएगा वापसी के लिए, वापसी यात्रा के लिए। पार्सल की ट्रेन जो हमारी स्पेशल चल रही थी वो भी कुछ गाड़ियाँ, 9 गाड़ियाँ हैं करीब, वो भी कैंसिल की गई हैं। जो पंजाब एरिया को अवॉइड किया गया है तो पंजाब एरिया में गाड़ियाँ एजिटेशन की वजह से कोई पैसेंजर ट्रेन का कुछ ऐसा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.